जय हिंद। इस वीडियो में TTML कंपनी के बारे में बात करेंगे। TTML कंपनी के शेयर होल्डर्स काफी दिनों से इस कंपनी के शेयर प्राइस का डाउन जाने से काफी परेशान हैं। उनको उम्मीद था कि कंपनी का जब क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन हो रहा है एकदम विपरीत। रिजल्ट आ भी गया है उसके बावजूद शेयर प्राइस और डाउन जा रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इस वीडियो में आपके लिए एकदम काम की खबर लेकर आया हूँ। सटीक विश्लेषण के साथ आपको बताऊंगा कि प्राइस के ऊपर उठने के चांसेस कब से हैं और प्राइस ऊपर जाएगा भी या नहीं, और अगर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो क्या हमें शेयर बेच के निकल जाना चाहिए या आप इसमें समय देना चाहिए। फिलहाल आप 5 मिनट अपना समय मुझको दीजिए। 5 मिनट में इस कंपनी का पोल खोल कर रख दूंगा आपके सामने, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, TTML कंपनी हम लोग जानते हैं कि यह एक सब्सिडी कंपनी है टाटा ग्रुप की, और बेसिकली देखें तो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है तथा सभी प्रकार के टेलीकॉम सुविधाएं यह कंपनी प्राप्त कराती है, मुहैया कराती है। टेलीकॉम सेक्टर में देखेंगे तो यह टावर और भी लगाने का काम करती है, और GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सेकंड नंबर की कंपनी है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टावर बैठाती है अलग अलग कंपनियों के लिए। अब यहाँ समझेंगे, इसका मार्केट कैप अभी फिलहाल 26,000 करोड़ के आसपास, जबकि हम लोग जानते हैं जब यह अपना हाई लगाया था 290 रुपये का, और ये हाई इसी साल जनवरी में लगाया था, तो उस समय इस कंपनी का मार्केट कैप 56,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। समझिए कि महज 3 माह में जब से इसका शेयर प्राइस डाउन जाना शुरू हुआ है मार्केट कैप कम होकर आधा रह गया है, लगभग 26,000 करोड़ के आसपास। और शेयर प्राइस देखें तो 133.45 रुपये आज के दिन का शेयर प्राइस है, और 5% की गिरावट आज भी इसमें देखने को मिली है। तो जब 5% की गिरावट देखने को मिल रही है तो मुझे अनुमान है कि आज के दिन यह लोअर सर्किट में चल रहा होगा, और जब लोअर सर्किट में चल रहा है तो आप बेच के, लोअर सर्किट में तो पता है बेच के नहीं निकल सकते हैं, तो समझते रहिए। अभी शेयर प्राइस डाउन जा रहा है तो कहां तक डाउन जा सकता है, इसके लिए हमें देखना होगा सपोर्ट लेवल। तो इसका जो पहला सपोर्ट लेवल है 93.55 रुपये, उम्मीद है कि यहां तक आने के बाद सपोर्ट लेगा और उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर जाने लगेगा। लेकिन यहां तक आने के बाद अगर और शेयर प्राइस डाउन चला जाता है तब जा सकता है 66 रुपये के आसपास, हालांकि उतना नीचे नहीं जाएगा, यहां तक जाने के चांसेस बहुत कम है। RSI भी देखेंगे तो 35 के आसपास चल रहा है, तो इतना नीचे जाने के कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, प्राइस तो देखिए देर सवेर ऊपर ही जाएगा, इतना तो कन्फर्म है। भले अभी डाउन जा रहा है लेकिन कुछ समय बाद ऊपर जाएगा, ये तो फिक्स है। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 172 रुपया, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वही 200। लेकिन फिलहाल पहला रेजिस्टेंस लेवल को पार होने दीजिए, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लेवल के बारे में सोच लेंगे। अब यहां समझिए, इसके क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था 26 अप्रैल को। सबको उम्मीद था कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो दिसंबर तिमाही का इसका रिजल्ट आया था, उससे अच्छा आएगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, और जब रिजल्ट नहीं आया तो जैसा मान के चला जाता है कि रिजल्ट नहीं आता है तो शेयर प्राइस डाउन जाता है, तो डाउन जा रहा है, समझेंगे। क्वार्टर थ्री में इसको जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ था 286 करोड़ का हुआ था, और यह क्वार्टर टू से बढ़कर 286 करोड़ का हुआ था। लेकिन अभी जब क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है तो क्वार्टर थ्री से कम हो गया है, 286 करोड़ से कम होकर रह गया 278 करोड़। और प्रॉफिट भी देखिए, प्रॉफिट में तो था नहीं है, तो लॉस मेकिंग कंपनी है। क्वार्टर थ्री में इसको 302 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, जो क्वार्टर फोर में देखेंगे तो 280 करोड़ का हुआ है, मतलब लॉस थोड़ा सा कम हुआ, यह एक प्लस पॉइंट है, कंपनी ने अपना लॉस कम किया है। लेकिन आप देखेंगे तो इसके ऊपर कर्जा भी है 19,764 करोड़ रुपये का। मेन समस्या इस कंपनी के शेयर प्राइस को डाउन जाने को लेकर, बिजनेस आगे नहीं बढ़ने को लेकर, ये डेप्ट ही है, डेप्ट बहुत अधिक है, और देखेंगे तो लगभग मान के चल सकते मार्केट कैप के थोड़ा ही करीब है इसका जो कर्जा है। तो कर्जा कम होते हुए भी नहीं दिख रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है। तो कर्जा बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी लॉस में है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है तब तो कर्जा कंपनी अपना कम करती है, यहाँ वैसी बात नहीं है। और इसके पास कैश पैसा भी नहीं है, रिजर्व देखेंगे तो निगेटिव में है। इसके अलावा कंपनी का बुक वैल्यू निगेटिव है, लगभग -96 रुपये के आसपास इसका बुक वैल्यू है, जो कि निगेटिव है, यह बहुत टेंशन की बात है। और इसका पी रेशियो भी निगेटिव है, देखिए पी रेशियो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, पी रेशियो वैसे तो जितना कम रहे अच्छा माना जाता है, लेकिन निगेटिव में नहीं होना चाहिए। और निगेटिव में है तो अगर कोई नया व्यक्ति इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो वह परफेक्ट टाइम नहीं है अभी एंट्री लेने के लिए, आपको नुकसान हो सकता है। अब आप यहाँ समझिए, कंपनी कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जैसे ये बिजनेस मॉडल था मैंने बता दिया, टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है। यहाँ समझिए, कंपनी का कहना है कि यह एक स्मार्ट इंटरनेट लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अब यह स्मार्ट इंटरनेट क्या होता है, ऐसा इंटरनेट जिसमें इंटरनेट काफ़ी फास्ट चले और उसमें साइबर अटैक भी नहीं, और तमाम सारी सुविधाएं मिलती है स्मार्ट इंटरनेट में, और बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करा भी रही है। लेकिन TTML का कहना है कि यह स्मार्ट इंटरनेट बहुत कम प्राइस पर आपको प्रोवाइड कराएगी, तो इसका फायदा जब यह स्मार्ट इंटरनेट लॉन्च हो जाएगा तो TTML को मिलते हुए दिख सकता है, लेकिन फिलहाल इसका फायदा, फिलहाल मैं कह रहा हूँ, नहीं मिलते हुए दिख रहा है TTML को। दूसरी बात है, कंपनी ने जूम कम्युनिकेशन के साथ पार्टनरशिप किया है। जूम ऐप के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग किया जाता है, कोरोना काल में काफ़ी फेमस हुआ था जूम ऐप, इसके साथ इसने पार्टनरशिप किया है। और TTML का कहना है कि यह पार्टनरशिप बेसिकली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। और इसके पास देखेंगे तो TTML के पास ऑलरेडी अपना नेटवर्क है, तो जब ऑलरेडी अपना नेटवर्क है तो इसका थोड़ा बहुत फायदा TTML को मिल सकता है। लेकिन
तुरंत नहीं मिल सकता, थोड़ा समय देना होगा। तीसरी बात, टाटा का जो न्यू सुपर ऐप आया है, तो इस ऐप के आने से पहले इसका इतना प्रचार किया गया, बताया गया कि इस सुपर ऐप का फायदा डायरेक्ट TTML को ही मिल जाएगा। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं है कि टाटा ग्रुप का जो सुपर ऐप है, देखिए ऐप तो कमाल का है, सारे काम आपके इस एक ही ऐप पर हो जाएंगे, लेकिन इसका फायदा डायरेक्ट TTML को कैसे मिलेगा, ये बात मेरे समझ से भी परे है। और अभी तो ऐप आया ही है, अगर इसका फायदा TTML को मिलना भी होगा तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको समय देना होगा। आप ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना कर चल सकते हैं TTML में, क्योंकि टाटा ग्रुप इसको डूबने नहीं देगा, ये तो बात कन्फर्म है। टाटा ग्रुप इसमें लिक्विडिटी भी इंक्रीज करेगा, और मेन समस्या लिक्विडिटी का है, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी और कर्जा भी इसके ऊपर बहुत अधिक है, तो टाटा ग्रुप कहीं ना कहीं इसमें लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा, और इसका जो AGR है वो भी टाटा ग्रुप ही चुकाएगा। अब समझिए, अगर आप इस कंपनी में प्रॉफिट में हैं, बहुत निचले लेवल पर इस कंपनी के शेयर को बाय किए हैं और अभी भी अच्छा खासा अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर समय देना चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, समय देना चाहते हैं तो इसमें बेशक बने रहिए, लेकिन आप अभी का जो वर्तमान स्थिति इस कंपनी का, आप इसको एज ए पेनी स्टॉक इसको ट्रीट कीजिए, मानकर चलिए कि कंपनी पेनी स्टॉक है। हालांकि मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी पेनी स्टॉक नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है, लेकिन फिर भी आप इसको पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्ज है और यह कर्ज इसका मार्केट कैप के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं सबसे तफसील से उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ शेयर बाजार से संबंधित प्रतिदिन के अपडेट आपको मुहैया कराए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।